महेंद्र सिंह धोनी इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है और उनका बहुत सारा समय चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2020 की रणनीति बनाने में जा रहा है। और इसी कड़ी में अब सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि दो दिन पहले धोनी ने फोन पर इंग्लैंड के एक लोकल डोमेस्टिक बल्लेबाज से बात की है। अब कौन सा ये बल्लेबाज है, क्यों धोनी ने इस अंग्रेज खिलाड़ी से बात की है और क्या चेन्नई की टीम इस प्लेयर को, इस अंग्रेज खिलाड़ी को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, और खरीदेगी तो क्यों खरीदेगी, पूरा डिटेल एनालिसिस इस खबर का करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई आगे नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये अंग्रेज प्लेयर का नाम क्या है और उसके बाद हम बताएंगे कि कारण क्या था कि फोन पर बात हुई और उसके बाद नीलामी की बात करेंगे। तो भाई इस इंग्लिश प्लेयर का नाम है टॉम बेंटन। अब टॉम बेंटन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ मैचेस भी खेल चुके हैं और कईयों ने नहीं भी सुना होगा। लेकिन भाई इस समय इनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म है ना, वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। इन्होंने हाल ही में जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है T20 ब्लास्ट, उसमें अराउंड 15-16 मैच में 550 के करीब रन बना दिए। इनका 160 का स्ट्राइक रेट था। भाई अगर 160 के स्ट्राइक रेट से कोई भी बल्लेबाज खेलता है ना, तो वो नेक्स्ट लेवल का बल्लेबाज है। लेकिन ये एक सीधा रीजन नहीं है कि धोनी ने इनसे फोन पर बात की, क्योंकि भाई इस समय बहुत सारे बल्लेबाज फॉर्म पे हैं। तो क्या धोनी ने सिर्फ फॉर्म के कारण बात की? नहीं भाई, और दूसरे रीजंस भी है जिसके चलते धोनी ने इनसे फोन पर बात की। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन ये है कि मुंबई की टीम भी टॉम बेंटन के पीछे लगी हुई है। मतलब मुंबई की टीम भी चाहती है कि टॉम बेंटन उनके साथ आए, और ऐसी स्थिति में टॉम बेंटन का पक्ष जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीलामी से पहले इस तरह से प्री प्लानिंग कई सारी टीमें करती हैं और इसीलिए धोनी ने और चेन्नई के मैनेजमेंट ने इनसे फोन पर बात की थी। दूसरा बड़ा रीजन है भाई सॉमरसेट। दरअसल दोस्तों इस समय जो टॉम बेंटन है वो सॉमरसेट की तरफ से वहां की ODI डोमेस्टिक लीग भी खेलते हैं, T20 ब्लास्ट भी खेलते हैं और काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। अब जो अगले वाला IPL होने वाला है ना 2020 का, उसी समय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी होगा और सॉमरसेट की टीम में इनका नाम भी है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो सॉमरसेट को छोड़ेंगे, काउंटी क्रिकेट को छोड़ेंगे? ये बहुत जरूरी है भाई इंग्लिश की खिलाड़ियों के लिए, अंग्रेज खिलाड़ी के लिए बड़ी बात होती है कि उनकी काउंटी टीम को छोड़कर IPL में आ जाए, क्योंकि काउंटी टीम जो होती है ना वो इन्हें 10 साल, 5 साल, 8 साल तक खिलाती है। IPL टीमें 2-3 साल मैक्सिमम खिलाती हैं, इसीलिए अंग्रेज खिलाड़ी फंस जाते हैं और इसीलिए धोनी ने इनसे बात की थी। ऐसा हो सकता है कि धोनी इनसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब धोनी बोल सकते हैं कि भाई आप आइए, भले आप 1-2 साल नहीं चले, फिर भी हम आपको मिनिमम 5 साल तक चेन्नई में खिलाएंगे, तो इसीलिए भी धोनी बात कर सकते हैं। तीसरा रीजन जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो है इनकी विकेट कीपिंग बल्लेबाजी। दरअसल दोस्तों ये एक विकेट कीपर बल्लेबाज है और इनकी जो फूर्ती है ना वो इंग्लैंड में बड़ी प्रचलित हो गई है। इन्हें नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी बोला जा रहा है, क्योंकि जो इनकी वीडियोस निकल कर आई है बड़ी ही तेज ये स्टंपिंग कर रहे हैं और उसमें धोनी बड़े प्रभावित दिख रहे हैं, इसलिए धोनी ने फोन पर इनसे बात की। और चौथा बड़ा रीजन है कि भाई एक विदेशी बल्लेबाज तो है ही, एक विकेट कीपर बल्लेबाज तो है ही, स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी है। हमने हाल ही में T20 ब्लास्ट में देखा इन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा तेजी से रन बनाए, और IPL में तो भाई स्पिन ही होती है, मतलब बेसिकली जो विकेट मिलने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग में वो तो स्पिन फ्रेंडली ही विकेट मिलने वाली है। मतलब ये एक परफेक्ट विदेशी बल्लेबाज है IPL में बिकने के लिए। हालांकि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लोग बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का शुरू से ही ये रवैया है कि वो ऐसे ही डोमेस्टिक टैलेंट को ढूंढते हैं, और इसीलिए भाई इन्होंने टॉम बेंटन से फोन पर बात की है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ भी एक पैच फंसने वाला है, क्योंकि मुंबई की टीम भी इनके पीछे लगी हुई है। मुंबई की टीम ने मैनेजमेंट जो है ना मुंबई इंडियंस का, उन्होंने भी टॉम बेंटन से बात की है कि हम आपको लेने वाले हैं, लेकिन क्या आप पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे? क्योंकि भाई अगर ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो ये पूरा सीजन IPL नहीं खेल पाएंगे। तो मेन रीजन यही है इनसे फोन पर बात करने का कि अगर ये पूरा IPL सीजन अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं, पूरा सीजन खेलते हैं ना, तो IPL की दो टीम तो अभी मैंने बता दी चेन्नई मुंबई, 4 टीमें और इनके पीछे आ जाएंगी, क्योंकि ये छोटे खिलाड़ी नहीं होंगे T20 क्रिकेट में बादशाह। अभी हाल ही में बिग बैश लीग में भी इनका सिलेक्शन हो गया है और अब पूरी दुनिया में T20 लीग्स, डोमेस्टिक लीग्स खेलने वाले हैं, तो ये बड़ा नाम होंगे, इसलिए धोनी ने फोन पर बात की। तो ये पूरा एनालिसिस था, सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन के पास ये खबर है और किसी के पास नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या टॉम बेंटन IPL में सक्सेसफुल हो पाएंगे, अगर होंगे तो क्यों होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं हो पाएंगे। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।